गाइस आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत स्वागत है। तो गाइस आज मैं एक ये मेरा बाइक से अभी मैं एक दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ। एक काफ़ी बड़ा उतना सबसे बड़ा तो नहीं, काफ़ी उनका फेमस है वो यूट्यूब में, तो इसलिए एक यूट्यूबर मेरा दोस्त है जो हम सब क्लासमेट था एक साथ में, तो उनसे आज मिल के उनसे इंटरव्यू लूँगा उनका और उनको पूछूंगा किस तरीके से क्या होके कितना तकलीफ़ झेला है आपने और कैसे करके आप यूट्यूबर बना है उसके बारे में थोड़ा पता करेंगे। और उन्होंने कहा है तो आइए हम दोनों कहीं ब्लॉगिंग करने के लिए जाते हैं बोल के, इसी कारण से मैं उससे निकलने वाला हूँ। तो आज पूरा दिन उन्हीं के साथ रहूँगा, तो देखते हैं कहाँ कहाँ ले जाएगा। तो सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने अपना समय निकाल के मुझको बुलाया है कि आइए हम दोनों एक साथ घूमेंगे करके। तो उनको इतना समय देने के लिए उनको बहुत बहुत शुक्रिया है। तो चलेगा इस अभी मैं यहाँ से निकलूँगा, तो अभी वहाँ पहुँचने के बाद ही आप लोगों को दिखाऊँगा क्योंकि कोई नहीं है मेरा साथ में जो मोबाइल पकड़ देने के लिए, इसी कारण से मैं जब वहाँ में उनका साथ मिलूँगा तब वीडियो फिर से शुरू करूँगा। तब तक के लिए आप बने रहिए गाइस, देखते रहिए। हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, मैं यूट्यूबर से बहुत काफ़ी बड़ा यूट्यूबर है, उनसे जो मैं इंट्रोडक्शन कराऊँगा उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे कहा था, इसीलिए मैं पहुंच चुका हूँ विकास भाई के साथ में। तो सबसे पहले विकास भाई आपको मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, तो आपने इतना कीमती समय निकाल के मुझे थोड़ा समय दिया है, इसी कारण से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने यूट्यूब शुरू किया था, तो शुरू करते समय में किस प्रकार से आपने शुरू किया और कैसे आपको ख्याल में आया कि आप यूट्यूब से शुरू करेगा, क्योंकि कैसे सोचा है उसी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी जी। तो हेलो गाइस, तो मेरा नाम है विकास शर्मा और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है नो मेडिकल बॉय। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा चैनल का लिंक मिल जाएगा और नीचे जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है वो भी चैनल का नाम ही है, नो मेडिकल बॉय। तो एक्चुअली वो मेरा बचपन का दोस्त भी है और प्लस हम लोग क्लासमेट है, अरुणाचल प्रदेश में हम लोग ने एक साथ पढ़ाई किया था, 10 प्लस 2 एक साथ किया। उसके बाद वो चले गए फौज में और हम रह गए घर के घर के घर के काम, बस क्या बोलो, खेती बाड़ी। और रहा दूसरा बार, मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, अभी 3K 4K बस अभी जस्ट सब्सक्राइबर हुआ ही है, आप लोग का आशीर्वाद का कमाल है। और बस यूट्यूब में आने का पीछे रीज़न ये था कि मैं बहुत घुमाकड़ हूँ, मतलब घूमने के लिए बहुत ही ज़्यादा एडिक्ट हूँ। यूट्यूब पे आने के बाद मैंने घूमना शुरू किया, ऐसा नहीं है, यूट्यूब से पहले मैं घूमता था। 10 प्लस 2 करने के बाद मैं घर से भाग के गया था बाहर यूपी, स्टडी कुछ अपना साइड पार्ट कुछ जॉब पार्ट टाइम जॉब वगैरह करने के लिए बाहर में पढ़ाई भी किया और जॉब भी किया। घूमने का जो लत था मेरा क्लास 10 से लग चुका था, क्योंकि जब 10th में मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय NCC में हमें घुमाने के लिए ले जाते थे गुजरात महाराष्ट्र दिल्ली वगैरह, तब से घूमने का शौक था। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे नया नया जगह जाना, तो घूमने का शौक लगभग समझ लीजिए 2008 से था, 2008, 9, 10, 11, 12 करते। तो अभी फिलहाल में लगभग एक साल हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है अपना यूट्यूब चैनल बनाया, और जहाँ जहाँ मैं घूमता हूँ उसको बस रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं यूट्यूब में आया हूँ तो यहाँ ही पे सब कुछ मैं अपना लाइफ करियर सब कुछ बनाऊँगा, ऐसा नहीं है। यूट्यूब पर आने का एक ही मकसद है, वो मेरा पैसन, जो मैंने थोड़ा सा पहले बोला था, घूमने का शौक मेरा पहले से है, तो बस एक मेमोरी बन जाएगा, कुछ यादगार पल, उसको शूटिंग करूँगा और डालूँगा और किसी को कुछ आइडिया वगैरह मिल जाएगा किस टाइप से मैं अपना बैकपैक वगैरह करता हूँ और किस टाइप से मैं ट्रेवल करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही कम पैसा में घूमता हूँ गाइस। जितना सकता है कि हिच हाइकिंग कर लेता हूँ, कहीं पर लिफ्ट मांग के जाता हूँ ये से जगह, फॉर एग्जाम्पल आसाम टू नागालैंड, नागालैंड टू मणिपुर, मणिपुर टू मिज़ोरम, इस टाइप से मैं हिच हाइकिंग करते ट्रेवल करता हूँ। और जहाँ मैं रहता हूँ वो भी ज़्यादातर मेरा फ्री होता है गाइस। और फ्री बोले तो क्या है, अभी मोबाइल में बहुत सारा ऐसा ऐप्स है, काउच सर्फिंग हो गया, कुछ कुछ ट्रेवल कुछ ट्रेवल लोग जो ट्रेवलर लोग हैं उनके लिए बहुत सारा ऐप्स बना हुआ है, जैसे कि उस पर आईडी बनाने से क्या होता है कि
नए नए जगह मुझे होस्ट मिल जाता है, तो वहाँ से भी मेरा अपना खर्चा बच जाता है। लगभग बहुत ही कम पैसे में मैं घूमता हूँ गाइस, और सिर्फ काउच सर्फिंग बोल के नहीं, फेसबुक में दोस्त होता है नई नई जगह से, इंस्टाग्राम में दोस्त होता है, तो नए नए जगह के जो दोस्त लोग हैं वहाँ पे कांटेक्ट करने के बाद में मुझे होस्ट मिल जाता है और मैं कहने के रह जाता हूँ। तो इस बार अभी फ़िलहाल मैंने अपना एक्सप्लोरिंग सेवन सिस्टर कंप्लीट करके मैं घर आया हूँ। मेरा सपना था छोटा से, सबसे पहले अपना नॉर्थ ईस्ट घूमना है, बाहर की बात बाद में देखा जाएगा, बहुत लोग सिर्फ बाहर जाते हैं, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ सबसे पहले अपना नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे सब कुछ है आपको, लेक से लेके पहाड़ से लेके बर्फ़ से लेके, आपको ऑफ रोड चाहिए, एडवेंचर जगह चाहिए, डेंजरस जगह चाहिए, डेंजरस बोले तो जहाँ टेंट वगैरह लगा के रहते हैं, खतरनाक, जिस लाइक नोमैडिक लाइफ, मतलब जहाँ पानी भी नहीं पहुँचता है, सोचिए वहाँ वहाँ जाके अपना लाइफ को सर्वाइव करके आया हूँ। ये हो सकता है मेरा बहुत सारा वीडियो पे मेरा स्टार्टिंग में कहाँ से कर रहा हूँ और बीच का पार्ट कहाँ से है, वो कुछ मिस्टेक हुए मुझसे मेमोरी में, वो मैंने बहुत सारा मेमोरी शूटिंग करके रखा था, वो सब डिलीट भी हो चुका था, मुझसे कुछ मिस्टेक भी हुए, बट जितना मैंने सर्वाइव किया अपना लाइफ को लेकर, वो सब कुछ मैंने ब्लॉग पर दिखा दिया है। तो आज मेरा दोस्त मेरे घर पर आया है, छुट्टी पे आया अभी जस्ट, तो उनका ब्लॉग भी है, ब्लॉग बनाते हैं, तो ये क्या है कि एक पैशन है बस, अब खुद को अच्छा लगता है, जैसे कि बहुत लोगों का फेसबुक, अब आज तो फेसबुक तो कॉमन है ना, कॉमन है, तो फेसबुक तो पैसा के लिए तो नहीं चला रहा है ना, अच्छा लगता है अपना परिवार के साथ फोटो मार के डालेंगे और रिश्तेदार वगैरह देखेंगे, रिश्तेदार से कॉन्टेक्ट होगा, तो एक अपना अपना शौक होता है, उसी तरह मेरा ये शौक है, ये यूट्यूब मेरा करियर नहीं है, पैशन है, वहाँ से पैसा मिल रहा है अलग बात है, अभी फिलहाल में चैनल मोनिटाइजेशन हुआ है और कुछ कुछ स्पॉन्सर वगैरह मिल जाता है, उसमें टेंशन नहीं है, बट ये एक पैशन है और पैशन को कंटिन्यू रखूँगा मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अभी तो जस्ट कैमरे के आगे बोलना सीखा ही गई, अभी भी बहुत सारा मिस्टेक होता है बीच जिस लाइक बीच बीच में मैं बकलाता हूँ, देखिए आप नोटिस कर रहे होंगे, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गाइस, और मेरा जो कंटेंट है थोड़ा रो है, नेचुरली है, विदाउट स्क्रिप्टिंग, कभी भी मैं कहीं घूमने जाता हूँ प्लानिंग करके नहीं जाता हूँ। अभी आज मेरा दोस्त मेरे घर पे आया है, हम लोग का प्लानिंग नहीं है कहाँ जाना है, अभी जस्ट खाना वगैरह बनाएंगे, खाएंगे और निकल जाएंगे, बस कुछ एक अच्छा जगह जाएंगे, घूमेंगे, थोड़ा शूटिंग वगैरह होगा, फिर वो अपना वीडियो एडिटिंग करेंगे, ढालेंगे। तो आज मेरे घर पे आए, थैंक यू सो मच आपको दिल से, तहे दिल से। और कमर्शियली अपना दूसरा साइड भी है जिसपे शॉर्ट मूवी वगैरह बनाते हैं हम लोग, उस पर फोटोग्राफी से लेके सब कुछ, और वो कमर्शियल है, वो साइड का अपना साइड बिजनेस है, बट व्लॉग का चैनल जो है मेरा, व्लॉग एक पैशन है, बहुत ही अच्छा लगता है, और जितना सकता हूँ उस जगह को मैं अनएक्सप्लोर जो जगह होता है उसको एक्सप्लोर करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ, क्योंकि तभी पता चलेगा कि जो दूसरे व्यक्ति उनको घर बैठे बैठे पता चलेगा कि अच्छा ये जगह पर ये था। जिस लाइक जब मैं फर्स्ट टाइम मणिपुर गया था, तो मैं क्या सोचा था कि मणिपुर से डायरेक्ट मुझे मिजोरम जाने का मौका मिलेगा, वैसा बिल्कुल ही नहीं था, मणिपुर से मुझे सिलचर जाना था, सिलचर के बाद मिजोरम जाना होता है। मैं क्या सोचा था कि जैसे मैंने मैप देखा, मैप में जिस टाइप से दिखाया गया है मणिपुर के बिल्कुल बगल में लगा हुआ है मिजोरम, मैं सोचा अंदर ही अंदर हम जाएंगे और मुझे सीधा मिजोरम मिलेगा, जिस तरह अभी मैं आसाम पे हूँ और यहीं से सीधा कनेक्शन है अरुणाचल प्रदेश, तो मैं वही सोच रहा था, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैप के हिसाब से मैप भी था, मैप में भी विश्वास करना चाहिए, बट कुछ अलग ही था, माहौल ही अलग होता है गाइस, मणिपुर, मणिपुर से सिलचर, सिलचर जाने के बाद मिजोरम जाते हैं, फिर उसका फिर आसाम, फिर से आपको अगर त्रिपुरा जाना है तो मिजोरम से त्रिपुरा जा नहीं सकते, फिर सिलचर आओ, फिर सिलचर से आपको त्रिपुरा जाना है, फिर त्रिपुरा से सिलचर आओ, फिर मेघालय जाओ। तो ये सारा चैप्टर, सारा कहानी कुछ इस प्रकार था, काफ़ी अच्छा लगा, और एक मेरा बुक पब्लिश होने वाला है एक्सप्लोरिंग सेवन सिस्टर, मैंने अपना लाइफ को कैसा सर्वाइव किया उसमें बस सिंपली वही होगा, और ऐसा नहीं है कि मतलब बचपन से मेरा ड्रीम था बड़ा होकर कुछ बुक्स एक किताब लिखूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ घूमने का था, मुझे छोटा से बचपन से बहुत ही ज़्यादा मैं अंदर से मतलब क्या बताऊँ, दिस लाइक एडिक, घूमने के लिए काफ़ी ज़्यादा एडिक हूँ, डरता नहीं हूँ मैं कभी भी, कोई भी जगह पहुँच जाता हूँ, और खतरनाक खतरनाक जगह जैसे दिस लाइक जुको वैली, आपको पता है बहुत ही खतरनाक जगह है, अभी भी गया, विंटर सीजन में जुको वैली पे जो पानी होता है वो जम जाता है, बर्फ इतना ठंडा होता है गाइस वहाँ पे, तो ठंडा इतना होता है कि वहाँ टेंट भी लगा के बैठ नहीं सकते, जस्ट घूमना है रिटर्न आके कहीं बस्ती में रहना है, मतलब जिस समय ठंडा होता है उस समय जुको वैली में हम रह नहीं सकते गाइस,
तो लगभग जुको वैली कौन से जगह? नागालैंड। नागालैंड कोहिमा से कोहिमा जाना है, यहाँ से डिमापुर, डिमापुर से कोहिमा, कोहिमा से किसामा, किसामा में जहाँ हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, फिर उसके बाद काजामा, माओ बॉर्डर जाने से पहले जुको वैली मिलता है, एक राइट साइड में रास्ता घुसता है, वहाँ पे होटल वगैरह आपको ढेर सारा मिल जाएगा। जुको वैली पे बेस कैंप वगैरह भी होता है एक सीजन के हिसाब से, अभी समर है, अभी कैंपिंग वगैरह चल रहा है वहाँ पे, बट विंटर में बहुत ही ज़्यादा रिक्स होता है। जी जी। तो रिटर्न आके वहाँ पे आपको लॉज, होम स्टे सब कुछ मिल जाएगा नागालैंड पे। और नॉर्थ ईस्ट बहुत ही अच्छा है गाइस, बहुत ही अच्छा लगा और मैं खुद को बहुत ही प्राउड फील करता हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ गाइस, और यहाँ पे सब कुछ है गाइस। सबसे बड़ा धन नॉर्थ ईस्ट का पानी, साफ सुथरा पानी सबसे बड़ा धन, उसके बाद हवा। नॉर्थ ईस्ट पे आप दुनिया में किसी भी जगह पे रहिए, पैसा आपको कमाने हैं, पैसा कमाना बड़ा बात नहीं है, लेकिन ये शुद्ध पानी जो और हवा है ना, ये नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे जो शुद्ध पानी और हवा जो है, ये चीज़ मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। नॉर्थ ईस्ट का पानी, यहाँ का हवा और खाना पीना क्या बताऊँ आपको, लोकल ऑर्गेनिक डिश लाके बॉयल वगैरह, वो तो फेवरेट ही है। तो इस टाइप से आज दोस्त आए हैं और स्टार्टिंग कर रहे हो अपना चैनल को, और टू भी कंटिन्यू कीजिए, अपना जॉब तो है, टेंशन नहीं है, फिर भी जो पैशन है आपका यूट्यूब में, वो टू भी कंटिन्यू कीजिए। और मेरा तो अब ऐसा आदत बन गया है कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ कुछ भी काम करने के लिए, वहीं जाके ब्लॉग बना के मैं अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि एक मेमोरी बनता है। जब हमारा एज 50-60 हो जाएगा उस समय बैठ के देखेंगे, हाँ अरे एक समय में यहाँ यहाँ गया था, तो एक मेमोरी भी बनता है सिर्फ देखिए। और माई डियर ऑल द स्टूडेंट ब्रदर एंड सिस्टर्स, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो कोई लोग ऐसा होता है कि पढ़ाई को छोड़ के यूट्यूब में आ जाएंगे, ऐसा मत कीजिए, ये गलत बात है। आप अपना स्टडी कीजिए, अपना मम्मी पापा का बात मानिए, गार्जियन पेरेंट्स को रेस्पेक्ट दीजिए, और यूट्यूब को आप साइड में रखिए, पढ़ाई को साइड में रखिए, मतलब दिस लाइक ऑलराउंडर, ऑलराउंडर बनिए यूट्यूब पे 100%। ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोग यूट्यूब में नहीं आ सकते, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो मस्ट बी इम्पोर्टेंट, अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, उसका यूट्यूब तो हो ही जाएगा, लेकिन यूट्यूब के लिए पढ़ाई मत छोड़िए। मैं अभी अभी से बोल रहा हूँ आपको, पेरेंट्स जो गार्जियन है आप लोगों का, उनका जो उम्मीद है, जो एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं, उनका सपना में पानी मत फेरिए आप लोग प्लीज़। और पढ़ाई को भी लीजिए, यूट्यूब भी कीजिए, अब यूट्यूब में बहुत सारा फील होता है, कोई सिंगिंग डांसिंग, जैसे मेरा ब्लॉग है, ब्लॉगिंग वगैरह, उनका भी ब्लॉग का चैनल है, तो अपना पैशन को हिसाब से लीजिए, बाद में अगर इस फील्ड में अगर आप सक्सेस हो गए, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा है यूट्यूब में, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पैसा बहुत सारा है। और बहुत लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे कि चैनल बना के रखा है अभी तक, 300-400 वीडियो डाला अभी तक, पैसा क्यों नहीं आ रहा है, बहुत सारा चैनल में ऐसा होता है। सोच में आता है, मैं आपको वही क्वेश्चन पूछने वाला था कि जैसे अभी जो नया यूट्यूबर्स हो गया, जो अभी फिलहाल शुरू कर रहा है जिसका चैनल, तो मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे जैसे आपने सब शुरू किया था, तो आपको भी काफी परेशानी आए होंगे, तो आपने चैनल शुरू किया था, तो सबसे ज्यादा आपको परेशानी कब आया, उसी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। परेशानी मेरा स्टार्टिंग में लगभग 40-50 ब्लॉग हो चुका था, 1000 सब्सक्राइबर हो ही नहीं रहे, होता ही नहीं है, और वीडियो को शेयर कर रहा हूँ, सब्सक्राइबर भर ही नहीं रहे। बाद में पता चला मिस्टेक मेरा था, क्योंकि वीडियो कंटेंट में कुछ अच्छा क्वालिटी नहीं था, इम्प्रूवमेंट नहीं था, और मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद से पता नहीं था, बस ब्लॉग शूट किया, पीछे में बैकग्राउंड में जो गाना होता है वो डाल दिया, ब्लॉग खत्म। ऐसा करते करते मुझे पता चला कि कुछ इक्विपमेंट वगैरह चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब DSLR कैमरा चाहिए, बल्कि नहीं, सिंपल एक एंड्रॉइड फ़ोन से भी हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं, बट हम जो चीज़ दिखा रहे हैं वीडियो पे वो सामने वालों को पता चलना चाहिए। तो मिस्टेक होता था, और इधर उधर तरबत पहले मजाक उड़ा देते हैं, क्या कर रहा है, क्या ये कर रहे, खोज रहे, ये सब बहुत सारा परेशानी होता है। घर पे गाली भी दिया भैया लोग ने, रिलेटिव लोगों ने गाली भी दिया, ये क्या कर रहे हो, कुछ इससे होगा नहीं वगैरह वगैरह, बट मैं तो पैसा के लिए नहीं आया, तो पैसा नहीं मेरा, बस ऐसा करते करते उसका बाद जैसे फास्ट 1000 सब्सक्राइबर हुआ, फिर दूसरा प्रॉब्लम होता है वॉचिंग आवर होता ही नहीं है, क्योंकि जो वीडियो है हमारा वो पूरा कोई देखते नहीं है, वॉचिंग और हो ही नहीं रहे। लगभग आप सोचिए पूरा नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोरिंग सेवन सिस्टर का जो किस्सा था वो शुरू होने से पहले लगभग 200
20 वीडियो हो चुका था मेरा, साउथ इंडिया का ब्लॉग, मेरा म्यांमार का ब्लॉग, अरुणाचल प्रदेश का ब्लॉग, आसाम का ब्लॉग, उसके बाद मेघालय कुछ कुछ जगह का ब्लॉग था जी, और कुछ कुछ अपने एरिया का सिनेमेटिक्स, कुछ शादी वाला ब्लॉग, फनी वाला ब्लॉग को मिला के 220 ब्लॉग गाइस, मतलब उनमें से 50 ब्लॉग एंड्रॉयड मोबाइल से था, उसके बाद 150 वीडियो DSLR से शूट किया था मैंने, खुद से खर्चा करके कैमरा खरीद के, लगभग 60 से 70 हज़ार का निकॉन D5600 वो मेरा पहला कैमरा था, और अच्छा खासा था, ब्लॉगिंग कैमरा था वो जी। 150 वीडियो DSLR से बनाने के बाद ना जाने कितना पैसा खर्चा हुआ जी, उसके बाद चैनल मोनिटाइजेशन हुआ, दैट मीन्स 220 वीडियो के बाद, सोचिएगा 220 वीडियो बनाने के बाद मेरा चैनल मोनिटाइजेशन हुआ। 4000 घंटा चाहिए एक साल के अंदर करना है, एक साल पार हो गया तो फिर से काउंटिंग हो फिर वो माइनस हो जाएगा जी जी। परेशान हो गया था मैं कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, दूसरे लोगों का चैनल देखता हूँ इतना जल्दी हो जाता है 2 वीडियो में वायरल, मेरा चैनल देख रहा हूँ नहीं हो पा रहा है, बहुत सारा मतलब क्या बताऊँ, लिमिट क्रॉस हो चुका था। एक दिन अचानक से मेल आया और मेल को पढ़ा, वॉचिंग आवर कंप्लीट हुआ, फटाफट मैंने अप्लाई किया, अप्लाई करने का फिर कंटेंट टू भी कंटिन्यू दिया, उसके बाद मैं निकल गया नॉर्थ ईस्ट भ्रमण करने के लिए। नॉर्थ ईस्ट भ्रमण करके जैसे मैं घर में आया, मेरा गूगल एक्शन का पीना है, उस दिन जो सुकून मिला $1 होने से भी दिल में जो सुकून मिलता है, तो अभी $100 होने के बाद पहला पेमेंट आता है यूट्यूब पे, $100 ये लगभग समझ लीजिए 7 से 8 हज़ार रुपया होता है, तो पहला पेमेंट यूट्यूब में आपको $100 करना है, उससे पहले क्या करना है 1000 सब्सक्राइबर चाहिए आपको, 4000 वॉचिंग आवर, मतलब आपका सारा वीडियो को मिला दें 4000 घंटा होना पड़ेगा, उसके बाद आपका वो वीडियो क्लियर होना पड़ेगा, कॉपीराइट किसी का कंटेंट चुराया वाला वो नहीं होना है, सब आपका मेहनत का होना चाहिए, तब जाके आपका वॉचिंग आवर होगा। फिर गूगल एडसन के लिए कुछ कुछ रूल होता है, उसको लगभग आपके पास अगर $10 to $20 होने के बाद गूगल एडसन से पिन आता है आपका, फिर गूगल एडसन का पिन अप्लाई करने के बाद जब आपका $100 होगा तो पहला पेमेंट आएगा, वो हो गया आपका यूट्यूब का पैसा का इनकम। गूगल एडसन जिस लगे गूगल एड जो एड जो चलता है उसका पैसा अलग है, वो उसी पे इंक्लूड होता है, वो यूट्यूब में माना जाए, बट यूट्यूब से हम बहुत सारा जगह से इनकम कर सकते हैं, जिस लगे स्पॉन्सर जी, स्पॉन्सर को तो मैं बता नहीं सकता अमाउंट इतना होगा, अनलिमिटेड होता है जी। जो आपको स्पॉन्सर करते हैं, कोई कंपनी हो गया, कोई एडवर्टाइज कुछ भी होटल वगैरह उनका स्पॉन्सर करते हैं, और कोई लोग छुपे हुए स्पॉन्सर होते हैं जी, कोई अंकल, कोई सर, कोई सपोज मान लीजिए आप उनको नहीं पहचानते बट वो आपको पहचानते हैं, आपका कंटेंट उनको बहुत ही अच्छा लगा, बंदे में दम है, इसको सपोर्ट की ज़रूरत है जी, तो आपको चुपचाप से कॉन्टेक्ट करेंगे, बुलाएंगे, कुछ अच्छा खासा अमाउंट देंगे आपको कि बंदा पे दम है, आपका जो ब्लॉग है तो भी कंटिन्यू करो, बहुत मतलब उनका दिल बहुत अच्छा, मतलब अच्छा। बट उन लोग ये बोलते हैं कि पैसा मैंने आपको दिया मत बताना, ये बस तुम्हारा खर्चा है जी, जी। उस टाइम का भी आपको स्पॉन्सर मिलता है, मुझे भी मिला है, बहुत ही अच्छा लगा। मैं अरुणाचल का वीडियो बना रहा था, मुझे दूसरा स्टेट, मतलब स्टेट का नाम नहीं लूंगा मैं जी, जी। दूसरा स्टेट से मुझे पैसा मिला जी, जी। उन्होंने बताया कि हाँ अगर आप अरुणाचल प्रदेश पे इतना सब ब्लॉग बना सकते हो तो आप नॉर्थ ईस्ट को और अच्छा से हाईलाइट करो, तो मुझे दूसरा जगह से भी स्पॉन्सर मिला। पहला कैमरा तो अपना पैसा से खरीदा, फिर उसके बाद जितना भी मैंने इक्विपमेंट वगैरह लिया लगभग 2 से 3 लाख रुपये मैंने खर्चा किया यूट्यूब के ऊपर में, उसके बाद आसान भाषा में मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपके सामने, स्पॉन्सर का पैसा है सब कुछ, सब स्पॉन्सर का पैसा है यूट्यूब से। मान लीजिए यूट्यूब का पर्सनल इनकम अगर मैंने 10 रुपये कमाया है तो स्पॉन्सर का जो पैसा है वो 10,000 कमाया है, थोड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि अमाउंट नहीं बोलना है, मैंने इतना कमाया यूट्यूब से वो हम बोल नहीं सकते, यूट्यूब का खिलाफ होता है, एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। तो इस टाइप से करते करते अभी मैं क्या सोच रहा हूँ यूट्यूब पे, जैसे कि मेरा चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, दूसरे का चैनल पे ज़्यादा है, दूसरे को देख के खुद को कंपेयर नहीं करने का, ये सबसे बड़ा गलती होती है। और आप अपना वीडियो बना के डालते रहिए, व्यू कितना आ रहा है, सब्सक्राइबर कितना आ रहा है वो देखो, आपको सबसे पहले एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि आप वीडियो बनाता है, वीडियो का एडिट करता है और डालता है, सिर्फ इतना ही आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप दूसरा यूट्यूबर को देख के खुद को कंपेयर करेगा तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि आप हो ना और वो है,
बड़ा बड़ा यूट्यूबर लोगों ने बहुत कष्ट किया जी जी। आगे बढ़ा हाँ। वंडरफुल है, लेकिन अब हमारा क्या होगा वो तो हमें पता होता है ना चीज को। तो खुद को एक ही चीज ध्यान देना है, आप वीडियो बना के डाल रहे हो व्यू को मत दिखाओ, बस कंटेंट को अच्छा बनाने की कोशिश करो, लोगों को कंटेंट दिखाओ हाँ। क्योंकि कहते हैं ना वो सोने का भाव ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं, जो चीज़ का जो कीमती चीज़ होता है ना वो उसका जो वैल्यू होता है वो थोड़ा बाद में मिलते हैं हाँ जी। ये भी हो सकता है, सही बोला आपने। और कोई ऐसा ही बोल सकते हैं कि आपको कि उसको देखो उसका जैसा ब्लॉग बनाओ हाँ जी। तो ये मत करो, आपको दिल से जो आ रहा है ना जी। आपको वही करना हो, दूसरे को देख के खुद को कंपेयर मत करो, नहीं तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे जी जी। मन डाउन हो जाएगा, काम करने का मन नहीं होगा यूट्यूब पे जी जी। भले आपका तो सर्विस है, पैसा का कमी नहीं, फिर भी कुछ कुछ चीज पैशन होता है ना चीज। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि दूसरे का देख के खुद को कंपेयर कभी मत करना जी। अपना लाइफ है, जैसा अंदर से आप बोल पा रहे हो, ब्लॉग बना पा रहे हो, जिस लाइक अभी नॉन एज तो मैंने लेक्चर दिया, ये सब हैबिट हो गया, कुछ भी नहीं लगता आजकल कैमरे के आगे बात करने में, कुछ भी नहीं लगता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग तो मार्केट में निकल जाते हैं गाइस, डायरेक्ट कैमरा हो मोबाइल हो सीधा ऑन किया और सीधा ब्लॉग बनाते बनाते चलते हैं। और उस समय भी दोस्त मैं आपको एक ही टिप्स दूंगा, जैसे मार्केट में उतरोगे कैमरा या फिर मोबाइल को पकड़ के आप कैमरे में ध्यान दो और खुद को ध्यान दो, आपको साइड से कौन देख रहे हैं उसमें ध्यान मत दो। कोई हेलो हाय बोल रहे हैं उससे आप हैंडसम मिलाओ, बट होता ना एक नर्वस वाला फीलिंग, साइड से कोई देख रहा है मैं नर्वस हो रहा हूँ नर्वस हो रहा हूँ, ये चीज में ध्यान मत दो बिल्कुल भी। मैं भी सब्सक्राइबर्स लोग जो देख रहे हैं वीडियो उन सभी को ये बात बोलना चाहता था कि हम लोग जो अभी नया शुरुआत कर रहे हैं, जो हम लोग जैसे इन्होंने कहा कि बनाते समय वीडियो खुद के लिए और कैमरा में फोकस करो, वही हम लोग से सबसे मेन गलती होता है कि क्योंकि हम लोग को शर्म लग जाता है अभी नया नए से बात करते चलते हुए, इसी कारण से मैंने आप लोग भी मेरा ब्लॉग्स देखा होगा वीडियो देखा होगा, मैं ज़्यादातर इससे भीड़ भाड़ इलाका में कभी मैं वीडियो बनाया अभी नहीं और काफ़ी नर्वस, जैसे नर्वस फीलिंग बहुत होता है। तो मैं भी अभी जो नया जो यूट्यूबर्स लोग है वो जिन्होंने जिसे इन्होंने गाइड किया है कि इसे करना चाहिए बोल के, इसी कारण से आगे यदि आप लोग वीडियो देख रहा हूँ उनसे आप लोग भी सोच दीजिए इन्होंने जैसे किया हुआ उसी कर लीजिए, क्योंकि मैं भी अभी जैसे इनसे मिलकर इनका जो कहा गया हुआ बात जो सुनकर मैं भी उसको फॉलो करूँगा, तो ताकि मैं भी थोड़ा अच्छे से वीडियो बना सकूँ। नहीं तो वही है कि अगर हम लोग दाएं बाएं में फोकस रखेगा तो खुद के ऊपर में फोकस नहीं कर सकते कि मेरा वीडियो के साथ शर्म शर्म लगता है। जी हाँ जी, बहुत अच्छा था बात का आपने। और खुद का शर्म को मारना है जी, तो आपका एरिया में आप किसी भी स्टेट से हो गाइस, और आपको ही बोल रहा हूँ हाँ जी, खुद का शर्म को मारना है। बाजार का दिन कौन सा होता है, जैसे कि हम जो मेरा एरिया है मंगलवार का बाजार होता है जी। आपका कौन सा दिन बाजार होता है, हर एक हफ्ता मोबाइल को लेके आप बस बाजार के भीड़ में घुस जाओ, खुद से बातें करो बस आज मैं गाइस बाजार पे आया हूँ ये वो कुछ कुछ ले रहा हूँ नेचुरली, शायद से कोई दोस्त भी बुला सकते हो हाँ दोस्त आओ प्लीज कम, उसको भी ज्वाइन कर लो वीडियो में, एक बाजार जाओ अगला हफ्ता फिर वो दूसरा बाजार में जाओ, फिर ऐसा करते करते ना जाने कितना हफ्ता पार हो जाए, पार होने दो लेकिन बाजार का भीड़ में घुसो। जिस दिन आप भीड़ से निकलोगे ना, भीड़ से घुस के भीड़ को जो फाड़ के निकलोगे उस दिन से आपका जो शर्म है ना उसी बाजार में फेंक के आओगे। मेरा जो मैंने स्टार्टिंग मेरा तो स्टार्टिंग का ब्लॉग आपको विश्वास नहीं होगा, इस मेरा स्टार्टिंग का फर्स्ट ब्लॉग कमाख्या टेम्पल गुवाहाटी, कितना भीड़ होता है, बहुत भीड़ होता है, छोटा सा एक भैया का गोपरो था हाथ से गिर गया, काफी पूरा नर्वस हो गया, वो हैंडल वगैरह नहीं था कुछ भी कवर नहीं लगाया था, भैया एक देवोजीत भैया गुवाहाटी में रहते हैं उन्होंने उनका गोपरो दे दिया उनको, बस जाओ भाई शुरू करो। अब क्या बोलूँ मैं, अभी कुछ आता ही नहीं है, हेलो गाइस बोल रहा हूँ नर्वस हो रहा है नहीं हो पा रहा है कुछ से, हजारों का भीड़ होता है कमाख्या टेम्पल पे, सब लोग देख रहे हैं ऐसा करके, फिर भी जबरदस्ती मुझे करना है, क्योंकि ये चीज करते 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 पहला दिन तो नहीं हुआ मुझे हो नहीं पाया, क्योंकि कमाख्या टेम्पल पे हर दिन भीड़ होता है, ये लगभग ये कोरोना का पहले वाला बात कर रहा हूँ, उस समय कोरोना नहीं था। अगला दिन गया, पहला दिन का वीडियो थोड़ा को रखा, अगला दिन गया बस एक ही चीज़ सोचा आप रुकना नहीं है, एक छोटा सा सेल्फी स्टिक खरीदा था 70 से 80 रुपये में और मोबाइल लगाया एंड्रॉइड का और घुस गया कमाख्या टेम्पल में, ब्लॉग बनाते 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 बोलते बोलते गया, बोलते बोलते आया, लगभग 2 से 3 घंटा लेक्चर ही दिया फ़ोन पे, रूम पे आके जब देखा पहला दिन और दूसरा दिन पे जमीन और आसमान का फर्क था जी।
अपना शर्म मैंने गुवाहाटी में खत्म करके आ गया गाइस। कामाख्या टेम्पल में कितना भीड़ होता है गाइस, लाखों लाखों का भीड़ होता है, नई नई जगह से आता है। वैसे करते करते फिर शुरू कर दिया मैंने, उसका बाद में शुरू करते करते और अभी लगभग 4,000 सब्सक्राइबर होने वाला है और 300 शायद देखना पड़ेगा, शायद 300 वीडियो होने वाला है मेरा टोटल ब्लॉग। और अभी नॉर्थ ईस्ट का टूर ख़त्म हुआ है, सिक्किम दार्जिलिंग जाना बाकी है और अभी और हार्डर ब्लॉग बनाऊंगा मैं। सोचा हूँ अगर कुछ बड़ा स्पॉन्सर मिले, भाई चलो स्पॉन्सर नहीं भी मिलेगा, मेरा एक ड्रीम है आसाम टू लद्दाख साइकिल से जाने के लिए। साइकिलिंग करूँगा, ट्रेन वगैरह खाना पीना सब लेके पूरा गेंग को लेके जाएंगे हम। लद्दाख का मेरा एक ड्रीम भी है, उसको तो पूरा करूँगा और साथ में कुछ खतरनाक जंगल पे कैंपिंग, दिस लाइक ए हैंगिंग कैंपिंग, जो पेयर पे लगा के जो हैंगिंग कैंपिंग होता है वहाँ पे रहना है, सब कुछ कुछ मेरा सपना है, तो वो तो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। और जो मेरा एक्टिविटी है जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आप मेरा ब्लॉग पे जाके चेक कर सकते हो और सब कुछ वहाँ पे मैंने दे दिया है। जस्ट अभी भी मैं एक ही बात बोलूँगा, अभी तो बस बोलना सीखा ही है कैमरे के आगे में, अभी भी बहुत चीज़ सीखना बाकी है क्योंकि खुद का डेवलप के बारे में खुद ही सोचना है। आपको कोई भी आके मोटिवेट नहीं करेंगे, आपको अंदर से प्यासा है ना, प्यासा कुएं के सामने जाता है। आज मेरा दोस्त मुझे भी मिलने आया और उनका ब्लॉग भी बना रहा था, देखिए उन्होंने इतना अच्छा गिम्बल खरीदा, इतना अच्छा अच्छा कैमरा वगैरह उन्होंने खरीदा है, तो आज दोस्त इतना दूर से अरुणाचल प्रदेश से मुझे मिलने के लिए आए आसाम थे, तो ये बहुत ही अच्छा बात है और मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। इसी टाइप से अपना दोस्त लोग मिलते आना है मिलने के लिए, बहुत सारा क्लासमेट लोग हैं, आप लोग शायद ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और जितना भी मेरा क्लासमेट लोग हैं, बहुत मिस करता हूँ मैं आप लोगों को, जितना भी कुछ कुछ क्लासमेट ऐसे भी थे बातचीत नहीं करते थे, फिर भी क्लासमेट तो क्लासमेट होता है ना, दोस्त तो दोस्त होता है, तो बहुत सारे क्लासमेट लोग को मिस कर रहा हूँ, बातें करने वालों को मिस कर रहा हूँ, बातें नहीं करने वालों को मिस कर रहा हूँ, सभी को मिस कर रहा हूँ। क्योंकि अभी जैसे हम लोग क्लास में कभी कभी दिखाई देता था, कभी तो बातचीत नहीं हुआ, फिर भी तो उस समय को उस पल को हम लोग याद करते हैं। इसी कारण से जितने भी हमारे क्लासमेट्स है जो स्कूलमेट है वो लोग आप लोग देख रहा हूँ, जैसे प्लीज कमेंट्स कर दीजिए कि हाँ, ताकि हम लोग को भी याद रहे, आप लोग को भी याद रहे कि हाँ ये सब हमारा दोस्त सब एक साथ ही था वो के प्लीज। तो वीडियो काफी लंबा हो चुका है, काफी लेक्चर बड़ा हो गया, डोंट माइंड गाइस। तो इसी कारण से मैं आखिर में विकास भाई को फिर से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज बहुत अपने कीमती समय देके मुझे यहाँ पे बुलाया है, उन्होंने खुद बुलाया है, मैं इसलिए मैं आया हूँ। तो इसी कारण से जब भी आप लोग कभी यहाँ जागुन में आए या कहीं आने से कुछ प्रॉब्लम आने से आप लोग मुझे वो कर सकते हैं इन्फॉर्म करके, आप लोग अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं विकास भाई यहीं रहता है उनको, कि फिर भी वो यहीं रहता है बोल के भी काफ़ी उनका यूट्यूब चैनल है तो कहीं जाते रहते हैं, इसी कारण से यदि वो यहाँ पर होगा तो आप लोगों को कुछ दुख तकलीफ नहीं होगा, तो पक्का आप लोगों को मदद करेंगे क्योंकि भाई का दिल बहुत भरा है। तो इसी कारण मुझसे कुछ भी मदद हो पाएगा गाइस डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूँगा, मतलब जितना मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत जानता हूँ ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, जितना मैंने सीखा है प्रैक्टिकली मेरा लाइफ पे, जो भी मैंने अभी तक मैंने जो भी शेयर किया वही जो मेरे साथ हुआ है वही मैंने शेयर किया, सिंपल है लाइफ, कुछ भी नहीं होता है, लाइफ बहुत ही सिंपल है, बस इसको हर दिन हंसते हुए गुजरना है क्योंकि सभी का लाइफ में दुख है, आपका भी लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन है, मेरा भी टेंशन है, दुख है, बट दुख को कभी किसी को नहीं दिखाना है, सुख को दिखाना है बस। दो दिन का जिंदगी एक दिन ऊपर चला ही जाएगा, इसलिए बस हंसते हुए। थैंक यू सो मच गाइस वाचिंग एंड आपको भी दिल से तहे दिल से धन्यवाद आपको, आज आप मेरे घर में आए एंड एक ब्लॉग बनाया और आपका चैनल पे मुझे बातें करने का मौका मिला, एक छोटा सा इंटरव्यू लिया आपने, वैसे तो मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, छोटा मोटा एक खेती बाड़ी करने वाला इंसान हूँ, जमीन के लोग है, बस जमीन में रहना है, डाउन टू अर्थ। ओके गाइस ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं, चलिए ठीक है, बिकॉज़ बाय, थैंक यू।